इंडियन न्यूज 24 आवर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तक डॉटा एन एडिटेड बाय जावेद अख्तर नई दिल्ली 6 जनवरी 2018 अपडेटेड 1311 ISD आगामी वित्त वर्ष 2,01,718 में देश की GDP में गिरावट के संभावित अनुमान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने आर्थिक आंकड़ों के साथ एक ट्वीट किया और GDP को नया नाम दिया। शनिवार सुबह किए गए इस ट्वीट में राहुल ने आर्थिक आंकड़ों के साथ लिखा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली और PM मोदी की ग्रॉस डिवाइसिव पॉलिटिक्स वाली जीनियस जोड़ी देश को कहां ले जा रही है। इस तंज के साथ राहुल ने मौजूदा आर्थिक हालात के मद्देनजर कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नया निवेश पिछले 13 सालों में निम्नतम स्तर पर है, साथ ही बैंक क्रेडिट ग्रोथ 63 साल का निचले स्तर पर है। रोजगार सृजन पिछले 8 सालों में सबसे कम रहा है। राहुल ने ये भी दावा किया कि राजकोषीय घाटा पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा बड़ा है। GDP 6.5% रहने का अनुमान। बता दें कि देश की GDP की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2,01,718 में 6.5% के 4 साल के निचले स्तर पर रहने का अनुमान है। GST लागू होने की वजह से विनिर्माण क्षेत्र पर पड़े असर और कृषि उत्पादन कमजोर रहने से GDP की वृद्धि दर 4 साल के निचले स्तर पर रह सकती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने राष्ट्रीय लेखा खातों का अग्रिम अनुमान जारी करते हुए यह अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष 2,01,617 में GDP की वृद्धि दर 7.1% रही थी, जबकि इससे पिछले साल यह 8% के ऊंचे स्तर पर थी। 2,01,415 में यह 7.5% थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने मई 2014 में कार्यभार संभाला था। पाएं आज तक की ताज़ा खबरें न्यूज लिखकर 52,424 पर SMS करें। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया यूजर्स शर्तें लागू।